नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। कासीमीरा मसासा पाड़ा के रहवासी आज सैकड़ों की तादाद में राम भुवन शर्मा के नेतृत्व में कासीमीरा पुलिस स्टेशन में आए हैं अपनी शिकायत लेकर। मैं आपको बता दूं कि मसासा पाड़ा रहने वाले ये लोग 8-9 सालों से वहाँ पे रूम लिए थे और वहाँ पे उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वहाँ पे उन्हें लाइट, रोड और पानी की सुविधा होगी, लेकिन अभी तक उन्हें उस चीज़ों से वंचित किया गया है, जिसके विरोध में आज यहाँ पे राम भुवन शर्मा के नेतृत्व में आज कासीमीरा पुलिस स्टेशन में आए हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं राम भुवन शर्मा से। और सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे नगर, जिसे 4 एकड़ और 7 एकड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे 8 साल से रहवासियों को बिना बिजली की सुविधा, बिना पानी की सुविधा, बिना रास्ते की सुविधा के बस से बदतर, जानवरों से भी बदतर परिस्थिति में लोग रह रहे थे। यहाँ के नगर सेवकों को 8 साल से दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। पिछले महीने में सभी रहवासी हमारे पास आए, हमने इसका पाठ पुरावा किया। आज अदानी के लोग वहाँ पे केबल डालने के लिए आए, कर्मचारी काम का शुरुआत किए, लेकिन वहाँ के जमीन मालक हरि पागेरा और अनिल सावरे को भड़का करके वहाँ के भूतपूर्व नगर सेवक अनिल भोसले, नगर सेवक कम दलाल ज़्यादा, इस दलाल ने वहाँ के कर्मचारियों को गाली दिया और उनको वहाँ से भगाया। एक तरफ से 8 साल पहले से वह मसीहा बन रहे हैं यहाँ से कि लोगों को कि मैं तुम लोग का उत्तर भारतीयों का मसीहा हूँ, लेकिन ये मसीहा नहीं है, इसको झोपड़े के पीछे दलाली करना है, दलाली खाना है, इसके वजह से आज वहाँ पे वो लोगों को रोका है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैंने कासीमीरा पुलिस स्टेशन को निवेदन दिया हूँ कि आप इसका निराकरण करिए, जमीन मालक को और जिन बिल्डरों ने इन लोगों को, रहवासियों को जमीन बेचा है, इसका निराकरण करिए, अन्यथा कासीमीरा पुलिस स्टेशन में हजारों की संख्या में और अदानी के कार्यालय पर हजारों की संख्या में मोर्चा आएगा और इसमें कानून व्यवस्था में यदि किसी प्रकार का कोई तकलीफ हुआ, इसका सारा जवाबदार कासीमीरा पुलिस स्टेशन प्रशासन और अनिल भोसले जैसे दलाल होंगे। उनके जिन बिल्डरों ने, जिन भूमाफियाओं ने इनको बेचा है, उन लोगों का आश्वासन के आधार पे ही ये लोग 7 साल 8 साल से चुप बैठे। देखिए उसका नाम का पूरा लिस्ट मैंने दिया है कासीमीरा पुलिस स्टेशन में और आज भी, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई करने से पहले मैं इनको कहा है कि इनको बुलाया जाए। यहाँ पे है ना हरि पागेरा, अनिल सावरे, मुनेश्वर यादव, कालिया बाबू, उसके बाद जितने भी हैं सभी लोगों का नाम निवेदन दिया है कि जो जो जमीन मालकों से जमीन लेकर के बिल्डरों ने बेचा है लोगों को, नितेश सिंह, मुकेश सिंह, प्रदीप शर्मा, ये सारे ऐसे नाम हैं, श्रीवास्तव, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मेरा कोई कार्रवाई करने का कोई मेरा मंशा नहीं है, कोई मेरा इरादा नहीं है। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन इनको बुलाए जमीन मालक से और इनका क्या मसला है इसको सॉल्व करे और नागरिकों के घर में पानी जैसी सुविधा, बिजली जैसी सुविधाएं, रास्ते जैसी सुविधाएं मिले लोगों को। हम लोग रूम लिए भैया, हम लोग से क्या बोला गया था कि लाइट, पानी, रोड हम लोग ऐसे देंगे, जल्दी आ जाएगा, 1-2 साल में क्लियर हो जाएगा, नहीं मिला। आज हम लोग को 9 साल हो गया है, हम लोग तो बिता लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात है, उन लोग की भविष्य खराब हो रही है, इसलिए हम लोग अब यही ऐलान करेंगे कि हम लोग को लाइट चाहिए, पानी चाहिए, नाला चाहिए, रोड। मसासा पाड़ा के रहवासी हूँ, हम लोग 8 सालों से हर नगर सेवक के पास अपना निवेदन दिए, आज तक सिर्फ वही हमको आश्वासन मिला और कोई काम हुआ नहीं। आज हम लोगों ने राम भुवन शर्मा जी से मिल करके निवेदन डाले, पत्र डाले, पूरा पाठ पुरावा किए, हम लोग का काम आज हुआ। अडानी के कर्मचारी आए वहाँ खड्डा गिराने के लिए, माननीय अनिल भोसले जी, अनिल पगेरा और सांबरियों को लेकर आए, उनको भड़का कर, और हमारे जो कर्मचारी गड्ढा खनने के लिए आए थे उनको सीधा माँ बहन की गाली देकर, बहुत धमकी देकर भाग गए और जनता को भी बहुत गाली दी और हमको बोलते हैं 4 लोगों के यही 4 नेता हैं, वे फटके मारो, ये हम उनका कहना है, और बोलते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा हम झोपड़पट्टी आए हैं। हमने के लाइट पानी खाती आई है अपने, हमने के सब बिल्डर के पैसा कोशिश करके अपने हम दे दे। आपने जगह हम सासी बिल्डर से लिया है तो सासी बिल्डर का हम पूरा पैसा अपन दे दिया, अब बोला कि तुमके हम लाइट पानी रोड करके हम देगा। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे तुमके लाइट पानी आ जाएगा। अब 7 साल हो गए हमने के कहाँ आ जाए, अब हमने के लाइट पानी के अति परेशान बनी जाए बहुत। देखिए बारिश आवता है तो सोलर नहीं चार्ज होता और नीचे बदली बा तो रोज पहाड़ की तरह हमने के बैठल बन जाए, पानी आवता घर में सांप ढुक जाता है, घर में लाइट पन नहीं के इतनी, बच्चे लेके सोता है, कीड़ा फतिंगा काट लेगा तो क्या दुखाई मेरा। देखा राम भुवन शर्मा और यहाँ के रहवासियों ने आरोप लगाया है, जिन्होंने इन लोगों को रूम दिया था, इन्हें आश्वासन दिया था कि आप लोग को लाइट, पानी और रास्ता मिलेगा, लेकिन 9 साल हो गए अभी तक इन्हें उन सुविधाओं से वंचित रखा गया है और आज यहाँ कासीमीरा पुलिस स्टेशन में आए और यहाँ पे सीनियर PI संदीप कदम से बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जो भी कागजी कार्रवाई है आप उसे कर लीजिए। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि इन रहवासियों को घरों में लाइट,
आती है या नहीं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए बाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की ये खास रिपोर्ट।